नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी क्या चल रहा है 2022 और 22, 23, 24, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अभी से विपक्ष जो है अपने अपने हिसाब से मोर्चे तैयार कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम विपक्षी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा किस तरीके से विपक्ष मोर्चा तैयार कर रहा है मोदी के खिलाफ। पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से विपक्षी जुट चुके हैं अभी से। एक तरफ जहाँ ममता बनर्जी आखिरी लड़ाई की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्षों तक बीजेपी के सहयोगी रहे JDU नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने की लड़ाई है, ये उनकी आखिरी लड़ाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए दिल्ली की वह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। हालांकि सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की घटती ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि 1984 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, आज वह कांग्रेस 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। अब देखिए नीतीश क्या कहते हैं। बीजेपी के साथ मिल करके 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में ये कहकर के एकदम से लोगों को हैरान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। दरअसल बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले 2 फेज में महागठबंधन को भारी बढ़त मिलने की खबरें आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि बिहार में तेजस्वी यादव के लीडरशिप में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लिहाजा नीतीश कुमार ने चुनाव के अंतिम दौर में एक सभा के दौरान ये कह दिया कि उनका ये अंतिम चुनाव है और बिहार में विकास के कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें वह पूरा करने के लिए उन्हें एक मौका चाहिए। यानी कि एक बार उनको आप मौका दे दीजिए, वो जनता से कह रहे हैं। और बिहार की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया और NDA को बहुमत दे करके नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री बना करके उनकी इज्जत रख ली। लेकिन अब नीतीश कुमार उसी बीजेपी को दरकिनार कर अपने प्रतिद्वंदी और घोर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के बिहार में सरकार को पलट चुके हैं, सबने देखा है। और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, 2015 में JDU नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन लालू परिवार पर भ्रष्टता के आरोप लगने के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ NDA की सरकार बनाई और 6ठी बार मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन होते हैं। इसके बाद 2020 में बीजेपी के साथ ही JDU ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और उसके बाद 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन 20 महीने के बाद भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। अच्छा, अब उनका जो टारगेट है वो क्या है वो आप जानिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि पिछले 8 सालों में केंद्र की सरकार में विकास का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ प्रचार करने का ही काम हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन
इस बयान से बिल्कुल साफ है कि 2024 में वह केंद्र में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। शायद ये उनकी दिली ख्वाहिश है। और वो ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी कोई लालसा नहीं है और ना ही उन्होंने इस विषय पर कभी सोचा है। हालांकि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे बेहतर चेहरा बताया जा रहा है। अब आप देखिए आने वाले समय में उनकी कौन कौन सी इच्छा पूरी होती है, जो है वो भी रहते हैं या नहीं। खैर 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम में नीतीश कुमार अब मोदी विरोधी नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। और उन्होंने इसी क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR से पटना में मुलाकात की। ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जा रहा है, वह एक साथ एक मंच पे टिक सकेंगे। अब राजनीति के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात पे अगर गौर करें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों के सभी नेता अपने आप में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक सभी नेताओं की राजनीतिक इच्छाएं अपने चरम पे होंगी, हो सकती हैं या हैं। लेकिन विपक्ष 2024 तक भी बिखरा हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊपर हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का ये कहना है कि तेलंगाना की TRS भी बिहार के RJD की तरह भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर राव जनाधार खो चुके हैं। सुशील कुमार ने यह भी कह दिया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR भी लालू की तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनका जनाधार खिसक रहा है और नीतीश कुमार से उनका मिलना विपक्षी एकता के लिए एक कहिए कि कॉमेडी शो जैसा होगा। तेलंगाना में हाल के विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ TRS दुबक और हजूराबाद दोनों जगह पराजित हुई है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में वहां बीजेपी 4 से 48 सीट पे आई है, वहीं TRS 99 से घट करके 56 सीटों तक सिमट गई। आगे देखिए सुशील मोदी क्या कहते हैं कि 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 4 सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री KCR अपनी बेटी कविता को नहीं जिता पाए। ठीक उसी प्रकार 2014 में लालू प्रसाद की अपनी बेटी को भी लोकसभा में वो नहीं भेज पाए थे। ममता बनर्जी, KCR और नीतीश कुमार अपने अपने राज्य में अपना जनाधार खो चुके हैं। ये भ्रष्ट और परिवारवादी दलों के साथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का, पराजित करने का एक खौप पाले बैठे हैं। ये विपक्षी एकता मेंढक तोलने जैसा हो गया है। विपक्ष का हर नेता खुद को PM मटेरियल मान रहा है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी मंत्रियों का मेलजोल दरअसल BJP के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री मोदी की अपार लोकप्रियता से डरे सहमे लोगों की हताशा का परिणाम है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के क्या उनके ऊपर कहते हैं जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश BJP कार्यालय प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रुंगट्टा ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव के रहमो करम पर ही JDU नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। तेजस्वी यादव जब चाहे
नीतीश कुमार को पटक नहीं दे सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं और तेजस्वी यादव को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 5 विधायकों की जरूरत है और लालू प्रसाद यादव 5 विधायकों के जुगाड़ में अब जुट चुके हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में लालू प्रसाद यादव जेडीयू को सत्ता से बेदखल कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताज पहना देंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि खुद नीतीश कुमार क्या 2024 से पहले ही बिहार की सत्ता से बाहर हो जाएंगे या फिर वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। बीजेपी को हराना, बीजेपी को केंद्र से बाहर करना, ये एक मुश्किल लड़ाई है और इसके लिए सब लोग जुट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी जो है स्वीप कर रही हैं, इसके बाद ममता बनर्जी को बंगाल की सरकार बचाना भी भारी पड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रही हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि तब तक ये लोग जो उनके पास है वो ही उसे बचा पाए। और इनके सपने हैं दिल्ली में पहुंचना, प्रधानमंत्री बनना, तो इतने सारे प्रधानमंत्री थोड़े ना बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तो एक होता है और ये किसी एक को बनते देखना नहीं चाहेंगे। इनकी इच्छा ये है कि मैं बनूं। इसी चक्कर में ये मुंह की खाने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो राजनीति में कुछ भी प्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी बात तय है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना भी बहुत 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 मुश्किल काम है। खैर, विपक्ष को मेहनत करने के लिए कौन मना कर रहा है, वो अपनी मेहनत करें और जहां वो बैठे हुए हैं कम से कम वो सीट बचाएं। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।